राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में डीनबाना में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत नगर परिषद के बांगड़ हॉस्पिटल चौराहे तक वॉकिंग मैराथन रैली निकाली गई। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सहायक निर्वाचक पदाधिकारी भूपेंद्र कुमार के नेतृत्व में सेवा नियोजित राजकीय कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले समावेशी वॉकिंग मैराथन कार्यक्रम में ब्लॉक लेवल के सभी कार्यालयों ने हिस्सा लिया है और कठपुतली के माध्यम से कार्यक्रम में लोगों को लोकतंत्र के सशक्तिकरण हेतु मतदान की अहमियत बताई गई है। आपको मालूम ही है हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम मतदान करके हम अपनी सरकारें बनाते हैं। तो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी आवश्यक है। इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अभी 16 से 22 तक सतरंगी सप्ताह का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी 18 नवम्बर की थीम है कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में। यानी इसका उद्देश्य ये है कि हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, मतदान करें। आने वाले 25 नवंबर को जो हमारा मतदान दिवस है उसमें अधिकतम मतदान करें और जिन्होंने अब तक कभी मत नहीं डाले उनको मोटिवेट करके बूथ पर ला करके मतदान करवाएं, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और जितना मत प्रतिशत बढ़ेगा उतना ही हमारा देश लोकतांत्रिक रूप से विश्व में अपनी धाक जमा पाएगा। हम अपने निर्णय खुद ले सकेंगे और जनहित में कार्य करवा सकेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य भी है और इस कर्तव्य की यदि हम पूरा करेंगे तो राष्ट्रहित में हमारा जो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अतः मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जितने भी हमारे जो 18 वर्ष से ऊपर और जो वयोवृद्ध है सभी को मतदान के लिए 25 नवंबर को प्रेरित करें और अधिकतम मतदान करवाएं, जिससे हम मजबूत बन सके। धन्यवाद। ये हमारे निर्वाचन विभाग जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए आज का जैसे सतरंगी सप्ताह आयोजन था, इसमें आज की थीम थी सैनिक और सरकारी कर्मचारियों को समर्पित था। आज का दिन इसमें था कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और सभी को प्रेरित करें। जो भी 18 वर्ष से ऊपर है उनको हम अधिकतम और जितने भी एज में जो भी पर्सन है सभी का मत या वोट कास्ट करवा करके लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देवें, जिससे मजबूत एवं स्थायी सरकार बने और यही हमारा प्रयास रहेगा। और मैं आप सभी के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोट है जो दें ताकि लोकतंत्र मजबूत बने। धन्यवाद।